राजपिपला नगर के गांधी चौक विस्तार में भाजपा द्वारा कांग्रेस के नेता वैसे झारखंड के राज्यसभा के सांसद धीरज साहू के निवास स्थान से बरामद किए गए काले धन का विरोध कर प्रदर्शन किया था। कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद झारखंड के धीरज साहू के निवास स्थान से 200 करोड़ से भी अधिक के नकद रुपए बरामद किए गए, जो ये घटना ने कांग्रेस में भारी भूचाल लाया है। तो वहीं देश भर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। नर्मदा जिला के राजपिपला नगर में गांधी चौक विस्तार में नांदोद की विधायक दर्शनाबेन देशमुख तथा जिला भाजपा प्रमुख घनश्याम पटेल की मौजूदगी में ये विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचारी आरोप लगाते हुए प्लेकार्ड्स और बैनर्स के साथ प्रदर्शन किया था। कांग्रेस राज्यसभा सांसद झारखंड धीरज साहू घरे थी जयरे 200 करोड़ करता रकम रोकड़ रकम पकड़ा तरह आ भ्रष्टाचारी नेताओं आ देश ने आर्थिक रीते खोखलू कर रहा है और भ्रष्टाचारी द्वारा आ देश ने मजबूत करने जगह देश ने जयरे आ रीतना नुकसान कर रहा है तरह आज अमे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं सर्वे एमने विरोध करवा माटे अहीं अमे आव्या छे अने अमारो खुल्लो विरोध छे के आ भ्रष्टाचारी नेताओं ने दूर करवा जोईए के जेथी करीने आ देश ने नुकसानीमांथी बचावी शकाय। आ इंडिया अलायंस में पण जेटला पण नेताओं जोड़ायेला छे आ बधा ज सर्वे नेताओं कांग्रेसनी साथे साथे एमणे अनेकों भ्रष्टाचार कर्या छे। जेवी रीतना झारखंड में कोलसा कौभाड़ी बात होय खाण खनिजना कौभाड़ी बात होय के ग्राम विकास भंडोरना कौभाड़ी बात होय परंतु आ दरेक कौभाड़ों में एमणे 500 करोड़ 300 करोड़ 1500 करोड़ जेवा मातबर रकमना कौभाड़ों आचरेला छे। आ भ्रष्टाचारी नेताओं ने आ देश में दूर करवा जोईए और आ देश तो ज विकसित बनी शकशे जयरे आ भ्रष्टाचारी नेताओं आ देश में दूर थशे।